नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में एक ओर तो पूरी जनता पानी से परेशान है, वहीं नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 31 व 33 की यह स्थिति है कि सरकारी बोरिंगों का उपयोग वार्ड पार्षद खुद व अपने चहेतों के लिए करते हैं, बाकी वार्डवासी पानी के लिए तरसे। इन वार्डों के पार्षद ने अपने घर के आगे करवा रखी है बोरिंग, वे उसका उपयोग खुद ही अधिक करते हैं। वार्ड में बोरिंग के पानी की सप्लाई नहीं दी जाती, जिससे पूरा वार्ड त्रस्त है। वार्डवासी जल की किल्लत से परेशान। वार्डवासियों की मांग है कि बोरिंग का पानी पूरी कॉलोनी को मिलना चाहिए। जागरूक नागरिक ने बताया कि एक बार से तो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति टंकी व स्टैंड को उठाकर ले गया, मगर नगर परिषद ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के घाटा वावर में एक झोला छाप डॉक्टर ने ली 5 साल के मासूम की जान। झोला छाप क्लिनिक छोड़कर भागा। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर द्वारा बच्चे को इंजेक्शन दिया गया और 2 मिनट में बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़कर भाग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। बीच में तो जिस तरह का जो ये मामला सामने आया उसके बारे में क्या होता है? एक बच्चा मयंक पुत्र केशवदेव जाटव, उम्र करीब 5-6 साल, निवासी घोसराना की मृत्यु हुई है। बच्चे के पिता केशवदेव ने घाटा बावर में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर हरदयाल सैनी और उसके साथ जो काम करने वाले कर्मचारी, उनके खिलाफ इलाज में लापरवाही का आरोप लगा करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अगेंस्ट हम FIR लॉज कर रहे हैं। बच्चे का यहाँ मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।